उसके पहले विद्यार्थियों हम आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों रेड 2021 की जो कल कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है, अब परीक्षा क्या होगी और इससे संबंधित क्या अपडेट है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। चलते हैं खबर की ओर। दोस्तों आज की ये खबर सुर्खियां लेते हुए, रीट की परीक्षा तिथि में हो सकता है बदलाव, EWS वर्ग को छूट का लाभ देने की तैयारी। तो दोस्तों कल कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी, उस कमेटी ने रिपोर्ट में EWS को छूट देने की सरकार ने तैयारी कर ली है। इसमें 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें EWS के संबंध में की गई घोषणा की क्रियाविनती के बारे में 3 दिन में सुझाव देने थे। और कमेटी ने ये प्रमुख शासन सचिव या जितने भी बड़े अधिकारी हैं उन्होंने कल सौंप दी है। रीट की परीक्षा तिथि में ये क्या अपडेट है, इस समिति ने 3 दिन में अपने सुझाव की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो रीट की परीक्षा को 1 सप्ताह से लेकर 15 दिन तक टाला जाएगा। दोस्तों इस अवधि में EWS वर्ग के आयु सीमा में छूट पाने को आवेदन का मौका मिलेगा। सूत्रों के अनुसार रीट की परीक्षा में 14,50,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। ऐसे में इस परीक्षा को जल्द कराना सरकार के लिए आवश्यक हो गया है। इस परीक्षा को आयोजित करने वाली नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा कराने की तैयारी कर ली है। रीट परीक्षा के परिणाम के बाद चयन के लिए वरीयता सूची बनाना और सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने में बहुत समय लगेगा। ऐसे में सरकार इस परीक्षा को ज़्यादा टालने के मूड में नहीं है। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी कह चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की है। इधर भूपेन्द्र जी ने कल एक ट्वीट किया था, उसमें भी उन्होंने कहा था रीट भर्ती परीक्षा 2021 की परीक्षा जून में ही होने की पूरी संभावना और परीक्षा तिथि की घोषणा आज या कल, ये 26 का है। तो दोस्तों आज 27 मार्च है, आज ये घोषणा हो सकती है और होगी। जो जानकार सूत्रों से सूचना मिली है आज ये घोषणा हो जाएगी। और इधर सरकार ये चाह रही है हाईकोर्ट में जो रीट परीक्षा को लेकर सुनवाई है, अगली सुनवाई 5 अप्रैल को है, तो सरकार 5 अप्रैल के बाद कुछ क्लियर करने के मूड में भी लग रही है। ये आप देख सकते हो हाईकोर्ट में जो रीट परीक्षा की तारीख को लेकर जो सुनवाई हुई थी। इसके साथ ही ये भी बड़ी खबर, EWS श्रेणी में आयु सीमा में छूट देने के लिए सरकार ने बनाई है समिति। और अगर ये समिति जो छूट देती है तो कमेटी ने दी छूट, तो प्रदेश में बेपटरी हो जाएगी। 60,000 की भर्ती, 60,000 की जो भर्ती वर्तमान में चल रही है रीट की, ग्राम सेवक, पटवारी व अन्य कॉलेज लेक्चरर, इसमें सभी भर्तियों में वापस फार्म भरवाए जाएंगे, छूट दी जाएगी। तो दोस्तों ये परीक्षा जून जुलाई में ही जाएगी, क्योंकि सारा प्रोसेसर में ये 3 दिनों में जब अपनी रिपोर्ट देकर, कल रिपोर्ट भी नहीं आ सकी तो इसमें टाइम लगेगा। वापस फार्म भरवाएंगे तो 15-20 दिन, फार्म 25 अप्रैल से ये जून जुलाई में होगी। इसी के साथ हम वीडियो से विदा ले रहे हैं। आज जितनी अपडेट थी हमने आपको बता दी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।